नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आपको यहाँ पर महेश बनवर की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास सिक्स ट्वेल्थ प्लान, जो कि आपका इतिहास का किताब है, ठीक है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 35। तो चैप्टर नंबर 35 पढ़ेंगे, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास का किताब होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 37, और जो कि आपके सामने है, और इसका पहला वीडियो, ठीक है, इसका हमारा पहला वीडियो का पार्ट नंबर है, पहला वीडियो आएगा। तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे हुई, और ये आपका 1848 से लेकर 1856 तक होगा, ठीक है। 1848 से लेकर 1856 तक ये रहेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1848 से लेकर 1856 तक कैसे हुआ, तो रणजीत सिंह के शासनकाल में, तो रणजीत सिंह के शासनकाल में उसके राज के विस्तार को अंग्रेजों ने रोक दिया था, और सतलज के पूर्व का सिख राज्य अंग्रेजों के अधिकार में था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, और सेना में सिखों के खालसा नामक समूह का वर्चस्व हो गया था। उसने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने पंजाब की सीमाओं तो अंग्रेजों ने पंजाब की सीमाओं पर अपनी सेना का एकत्रीकरण प्रारंभ कर दिया, और रणजीत सिंह के बाद उसका बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा था, एवं उसकी माँ रानी जिंदे कौर अपने कृपापात्र अधिकारियों की सहायता से प्रशासन का कार्य करती थी, ठीक है। 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध प्रारंभ हुआ, और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। पंजाब ब्रिटिश, तो आपका पंजाब जो है ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, तो पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह शासक बना रहा। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराजा नियुक्त कर दिया था, ठीक है। 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, और पंजाब की सेनाएं वीरतापूर्वक लड़ी परंतु हार गई। पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ, उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, और उसके कार्यकाल में 1848 से लेकर 1846 तक में भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी, ठीक है। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, तो बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था क्या थी, तो 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी हो गई, और कंपनी का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया तथा राजनीति का संपूर्ण शक्ति उसके हाथों में आ गई, ठीक है। दीवान के रूप में कंपनी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूल करने लगी, और कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैध सरकार कहा जाता है, ठीक है। कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूर्ण अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, यद्यपि इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं रही, ठीक है। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना, एवं 1773 में उसे भारत में ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। 1772 में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया, और बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया। कलकत्ता जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बनी, और कालांतर में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता ही रही, ठीक है। कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनमाने ढंग से अत्याचार कर रहे थे, तथा ये अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कंपनी के पदाधिकारी बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूट रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। कंपनी ने भारतीय राम माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते थे। जिस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था, इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। 1766 से लेकर 1768 में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई थी, और इस धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत राजस्व हो गया था। 1770 ईस्वी में तो 1770 में बंगाल में अकाल द्रौट पड़ा, और यह अकाल जो है मानव जाति के इतिहास में पड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ।
लाखों की संख्या में तो लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और बंगाल की एक तिहाई जनसंख्या इस अकाल से प्रभावित हुई। वारन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस, तो वारन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस 1722 से लेकर 1793 तक आपका जो है अपना गवर्नर जनरल, ठीक है। तो 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हुए आक्रमण में हैदराबाद के निजाम के साथ दिया और हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए विवश कर दिया। 1780 में हैदर अली से तो 1780 में हैदर अली से एक बार पुनः युद्ध आरंभ हो गया और हैदर अली ने कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को एक सेनाओं को बार बार पराजित किया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने का बाध कर दिया। जुलाई 1781 में आयरकुट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हरा दिया और मद्रास को सुरक्षित कर लिया था। दिसंबर 1782 में जो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और दोनों में एक से कोई पक्ष एक दूसरे पर विजय की स्थिति में नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 में शांति संधि कर ली तथा एक दूसरे के जीते हुए राज लुटा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के शत्रु थे, वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे। टीपू अंग्रेजों से घृणा करता था, अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर प्रतिबद्ध था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य 1789 में पुनः युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 में टीपू की हार हो गई, ठीक है। श्रीरंगपट्टा में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज जो है आपका अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया तथा 330 लाख रुपये हजाना दिया, ठीक है। वारन हेस्टिंग ने सन 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल का अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ की स्थापना की। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल था जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लॉर्ड वेलेजली के काल 1798 से लेकर 1805 में अंग्रेजों का प्रसार हुआ, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार तो भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ, ठीक है। और वर्ष 1797 तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियां अर्थात मैसूर और पराटो की शक्ति छीन हो चुकी थी, ठीक है। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेलेजली ने तीन उपायों का सहारा लिया। पहला सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना। अंग्रेजों ने अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। सहायक संधि के अनुसार सामान्यता भारतीय शासक को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, ठीक है। सहायक संधि से संबंध भारतीय शासक जो है अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे तथा गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेंगे। इसके बदले अंग्रेज उस शासक के दुश्मनों से रक्षा करने के वचन देते थे तथा सहयोगी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने का वादा करते थे। सहायक संधि प्रथा तो आपकी सहायक संधि प्रथा के कारण स्वेच्छा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, लाखों सैनिक और उच्च अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए जिससे देश में बदहाली और गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की और सहायक सेनाओं के खर्च के लिए नगद पैसा देने की जगह निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया, ठीक है। 1801 में अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए विवश किया गया या एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को विवश होकर अपना लगभग आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा जिसमें रुहेलखंड का क्षेत्र और गंगा यमुना का दबाव शामिल था। वेलेजली मैसूर कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया परंतु मैसूर का टीपू सुल्तान का भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ था, ठीक है। तो वेलेजली की सहायक संधि तो आपकी वेलेजली की जो सहायक संधि थी सबसे पहले हैदराबाद के साथ किया 1798 में, उसके बाद मैसूर के साथ 1799 में, तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1801 में, और बरार के होसले के साथ
1803 में, और आपका जो सिंधिया के साथ 1804 में किया था सहायक संधि, ठीक है। तो 1801 में पेशवा के साथ, 1803 में बरार के भोंसले के साथ, और सिंधिया के साथ 1804 में, 1798 में आपका हैदराबाद के साथ, 1799 में मैसूर के साथ, तंजुर के साथ 1799 में, और अवध के साथ 1801 में किया था। ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर आक्रमण किया, और एक संक्षिप्त और भीषण युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता पहुंचने के पहले ही उसे हरा दिया, ठीक है। वह अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को वीरगति उसे प्राप्त हुआ, और वीरगति को प्राप्त हुआ, और टीपू का लगभग आधा राज अंग्रेजों और उनके सहयोगी निजाम के बीच विभक्त हो गया। मैसूर राज का शेष भाग पुराने वाडिया राज्यों के वंशजों को वापस कर दिया गया। नए राजा को बाध देकर एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसके अंतर्गत यदि गवर्नर जनरल आवश्यक समझे तो आपका राज्य का शासन स्वयं संभाल सकता है। 1801 में लॉर्ड वेलेजली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि सौंप दी, उसे विवश किया, वह पेंशन लेकर अपना राज कंपनी को सौंप दिया, ठीक है। तो कर्नाटक के पिट्ठू नवाब, ठीक है। मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उनमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंटी बनाई गई, जो 1947 तक जारी रही। तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिया गया, तथा उनके शासकों को पेंशन देकर अलग कर दिया गया। अब तो एक प्रमुख शक्ति के रूप में केवल मराठे ही विशेष ब्रिटिश प्रभुत्व से बचे हुए थे। वलेजली ने उनकी ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया था, ठीक है। मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था, ठीक है, और जिसके अंतर्गत पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोंसले शामिल थे, ठीक है। तो इस समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था, जिसके अंतर्गत पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोंसले शामिल थे, ठीक है। वेलेजली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के समय सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था, और 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पराजित कर दिया, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों के शरण में जा पहुंचा, ठीक है। 1802 के अंतिम दिनों उसने बेसिन में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। दक्षिण में आर्थर वेलेजली के कमान में ब्रिटिश सेना ने असहाय में और फिर आराम गांव में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को हरा दिया था, ठीक है। उत्तर में लॉर्ड डेक ने लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को नष्ट कर दिया, और अलीगढ़, दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया, ठीक है, लॉर्ड डेक ने, ठीक है। मराठा राज्यों को शांति वार्ता करनी पड़ी, अब वे दोनों कंपनी के अधीनस्थ सहयोगी बन गए। उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्यों के कुछ भाग प्रदान किए, अपने दरबारों में अंग्रेज एजेंट रखे, और अंग्रेजों की सहमति के बिना यूरोपियों की सेवा में डायरेक्शन का वचन किया। अब उड़ीसा के समुद्र तट पर और गंगा यमुना के द्वार पर अंग्रेजों का पुनर्धिकार हो गया था, ठीक है। यशवंत राव होलकर अंग्रेजों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ, और अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा, और वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया था, और कंपनी ने जनवरी 1806 में राजघाट की संधि कर होलकर के साथ शांति स्थापित कर ली, तथा उसके राज्य को बड़ा भाग लौटा दिया था, ठीक है। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम 1818 से लेके 1857 तक चला, ठीक है। तो सिंध का विजय, 18वीं शताब्दी में सिंध पर कल्लोर शासक राज करते थे, और 1771 में तालपुरु की एक बलूच जाति पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदान में बस गई थी। 1783 में मीर फतेह अली खान ने सिंध पर प्रभुत्व जमा लिया, और कल्लोर के राजकुमार के से देश को निर्वासित कर दिया, ठीक है। 1831 में महाराजा रंजीत सिंह ने विलियम बेंटिक से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव दिया कि था कि सिंध को जीत कर आधा आधा बांट ले, परंतु बेंटिक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। अंग्रेजों उनके भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते से रूसी बात पर हमला कर सकते, और सिंध की विजय इसी का परिणाम थी, ठीक है। 1832 की एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया, और सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों
1839 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। सर चार्ल्स नेपियर, तो सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, ठीक है, और यह बदमाशी का एक बहुत बड़ा लाभदायक उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा, ठीक है। पंजाब की विजय, तो अब एक ही प्रमुख भारतीय राज्य पंजाब स्वतंत्र रह गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिसल में 1792 में अपनी सत्ता स्थापित की थी। रणजीत सिंह ने 1798 में सतलज के पश्चिमी क्षेत्रों की मिसलों को संगठित किया और 1801 में इन मिसलों से उसे पंजाब का महाराजा मान लिया। रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार पेशावर, सुल्तान, कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों सहित एक विशाल क्षेत्र में कर लिया था। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से संगठित और सुसज्जित करने के लिए उसने यूरोपियों की सेवाएं प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की, परंतु 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उसके बाद स्थिति बदल गई थी। डलहौजी की राज, तो डलहौजी की राज अधिग्रहण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कहते हैं, क्योंकि अब 1848 से लेकर 1856 तक चला, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। डलहौजी बिल्कुल विपरीत प्रकृति का व्यक्ति था, अर्थात यदि उसे कोई उचित बहाना मिलता तो वह राजपूत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता। उसकी विलय नीति शक्ति पर आधारित थी और शांतिपूर्ण दोनों प्रकार की थी, ठीक है। तो डलहौजी की हड़पनी थी अवध कुशासन के आरोप लगाकर इसे हड़प्पा, पंजाब, पेगू बर्मा, ठीक है, और सिक्किम, लोअर सिक्किम, ठीक है, इसे जो है विलय के आधार पर, तो विलय के अधिकार के द्वारा इसे हड़प्पा, सतारा, तो सतारा जैतपुर संभल, तो सतारा जैतपुर संभल बघाट उदयपुर झांसी नागपुर, इसे व्यापक के सिद्धांत के द्वारा इसे अपने राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में। और तंजौर व कर्नाटक, तो तंजौर व कर्नाटक को नवाबों की उपाधियाँ छीन ली गई थी। तंजौर व कर्नाटक की नवाबों की जो है उपाधियाँ छीन ली गई थी। डलहौजी की नीति का उद्देश्य, तो डलहौजी की नीति का उद्देश्य था भारत से ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे राज विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ठीक है। राज विलय के सिद्धांत के अनुसार, तो यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाए तो उसका राज उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। इसके अलावा यदि उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए विषय में अंग्रेज अधिकारी को सहमत प्राप्त नहीं होगी तो वह राज ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा, ठीक है। 1848 में सतारा, 1850 वर्ष 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर सहित अनेक राज्यों के इसी सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया। और नागपुर का विलय करते समय राजा की निजी संपत्ति कंपनी ने ले ली। डलहौजी ने भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया, और इसी क्रम में उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी, ठीक है। कर्नाटक व सूरत, तो कर्नाटक व सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियां छीन ली गई थी। अवध के नवाब के अनेक उच्चाधिकारी थे, इसलिए उस पर राज विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया जा सकता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने का विचार किया। नवाब वजीद अली शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने राज्य के कुशासन के आरोप में 1856 में हड़प लिया था। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत पर प्रथम वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का स्थापना किया था। 1854 में गंगा नहर की सिंचाई के लिए खोला गया ग्रैंड ट्रंक रूट की मरम्मत कराई गई थी, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल सन 1853 में चलाई गई थी। गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था आपका विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग, कंपनी शासक के अंतर्गत। और भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन,
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का प्रथम, तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका श्री राजा गोपालाचारी ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। एक बार यहाँ पर आपका छूट गया था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, तो आपके कौन कौन से बने बंगाल के गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले आपका वारन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक, उसके बाद सर जॉन मैकपर्सन, जो कि आपका स्थानापन्न कार्यकारी थे, जो कि उन्होंने एक साल तक बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था 1785 से लेकर 1786 तक, आर्ले मार्क्विस कॉर्नवालिस, तो आपका कॉर्नवालिस जिनका प्रथम शासनकाल चला 1786 से लेकर 1793 तक, उसके बाद सर जॉन सॉ 1793 से लेकर 1798 तक, उसके बाद सर एकला कार्यवाहक गवर्नर जनरल बने 1798 तक, रिचर्ड बेजली, तो आपका रिचर्ड बेजली 1798 से लेकर 1805 तक कॉर्नवालिस दूसरी बार आया 1805 में, उसके बाद सर जॉर्ज बालो कार्यवाहक, जी आपका सर जॉर्ज बालो कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे जिनका शासनकाल 1805 से लेकर 1807 तक, लॉर्ड मिंटो प्रथम इनका शासनकाल 1807 से 1813, उसके बाद आपका लॉर्ड हेस्टिंग, तो मार्क्विस ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग इनका शासनकाल था 1813 से लेकर 1823 तक, उसके बाद आपका जॉन एडम्स, तो जॉन एडम्स आपके कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे और इनका शासनकाल चला था 1823 में, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828, विलियम बटरवर्थ बेली आपके स्थानापन्न थे 1828 में, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1833 तक। ठीक है, ये आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो, जो कि आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, कल हमारा चैप्टर नंबर 37 होगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर, सॉरी, चैप्टर नंबर 38 होगा। ठीक है, हमने आज चैप्टर नंबर 37 कंप्लीट कर लिया, कल हमारा चैप्टर नंबर 38 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।